वो अशरफ रहा व नूरा ऐनिन व मुख्तार मोहम्मद अब्दुहु व रसूलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ईमानदारी से पढ़िएगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना वाला आले सय्यदना मौलाना व बारिक व सल्लम पाक है वो साथ जो ले गई रात और रात पाक है वो साथ जो ले गई रात और रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये अपने में बड़ा दम है साहब अपना अपना लड़का है सारी कमाई दे दिया अपना बेटा है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उसके नाम करोड़ों रुपए का खेत उसके नाम अपना अपना अपनी एकाएक हो सोने चांदी का जेवर खरीद रहे हो किसके लिए अपनी बीवी सारी औरतें जाए चूल्हे भाड़ में ये अपनी बीवी है अपना बेटा है देखो तुम सौ बार अपने पीर को अपना कहो सौ बार हजार बार अपने पीर को अपना कहो वहीं के वहीं रहोगे एक बार पीर ने कह दिया मेरा मुरीद है अपना में बड़ा दम है कि कहने वाला कौन तो जब मेरा नबी गया तो रब ने कहा अपने बंदे को हम वो बंदे हैं कि खुद हम अपने आप को बंदा कहते हैं मेरा नबी ऐसा बंदा है कि खुदा उसे अपना बंदा है सुभान अल्लाह समझ रहे हैं आप पहले तो यही बेअब्देही समझ लिया जाए यहां पर उलमाए कराम बैठे हुए इंटेलेक्चुअल से बुद्धिजीवियों की तवज्जो यहां बेनबी यही नहीं कहा सुभान अल्लज़ी असरा बेनबी यही पाक है वो रात जो ले गई अपने नबी को नबी ही तो जा रहे हैं नबी कहा क्यों नहीं सुभान अल्लज़ी असरा बेनबी यही पाक है वो रात जो ले गई
अपने नबी को रातों रात। ये नबी शब्द नहीं है, अब्द है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नबी होने के लिए ध्यान, नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, और अब्द होने के लिए जिस्म जरूरी। ये कैसे हाशमी, तूने कह दिया कि नबी होने के लिए जिस्म होना जरूरी। मैंने कहा हाँ, ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे नबी ने कहा। कुन तो नबी आदम बैनल माए वक्ती, मैं तो उस वक्त ही नबी था। कुन तो नबी यूं, मैं नबी था, और आदम मिट्टी पानी के बीच। आई वॉज प्रॉफिट एंड आदम अलैहि सलाम ही वॉज बिटवीन वाटर एंड सॉइल। अब वो गिल के मरहले तय कर रहे थे, पानी और मिट्टी के बीच, यानी नॉट कंप्लीटेड। आदम मुकम्मल ही नहीं थे, मैं उस नबी हूं। तो आदम से पहले नबी, जब आदम से पहले नबी हैं, तब हमका यह बताओ, आदम से पहले कोई आदमी है? आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई इंसान है? जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सब आदम की औलाद। भारत में 135 करोड़ की जनसंख्या, आदम की औलाद। तो मुसलमानों के पूर्वज आदम, हिंदुओं के पूर्वज आदम, ईसाइयों के पूर्वज आदम। अब अगर पूर्वज ही को पकड़ना है, तो दामने आदम पकड़ो, गढ़े हुए देवताओं को नहीं, सच्चे आदम को। वाह 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 वाह। हमसे कहा जाता, तेरे पूर्वज मुसलमानों, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। अच्छा, उनके पूर्वज? क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि तुम फला की औलाद हो, वो किसकी औलाद है? दुनिया में जिसने भी जन्म लिया वो आदम की औलाद। वाह। चाहे मक्का में पैदा हो तो आदम की औलाद, चाहे काशी में पैदा हो तो आदम की औलाद, चाहे अयोध्या में पैदा हो आदम की औलाद, चाहे मथुरा में पैदा हो आदम की औलाद, चाहे बिहार में पैदा हो, बंगाल में पैदा हो आदम की औलाद। तो आदम के घर में जो है वो असली घर में है। तो आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के घर में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दुनिया के जितने लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं, आदम के घर में है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करता है, आदम के घर के बाहर है। तो इन बाहर वालों की घर वापसी होनी चाहिए। हम तो पहले ही से आदम के घर में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के पहले आदमी का नाम क्या है? पहला आदमी आदम, पहला इंसान, पहला बशर। तो आदम से पहले कोई बशर? जोर से बोलो, आदम से पहले कोई आदमी? नहीं। आदम से पहले कोई इंसान? हुजूर फरमाते हैं, मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले है वो आदमियत से पहले है, जो आदम से पहले है इंसानियत से पहले है, जो आदम से पहले है बशरियत से पहले है। पर जब बशरियत से पहले, तो बशर होगा कैसे?
जब मनुष्यता से पहले है तो मनुष्य होगा कैसे, जब वो इंसानियत से पहले तो इंसान कैसे होगा। मगर नबी हैं कुन तो नबियों, उसका मतलब यह है कि मेरा नबी आदम से पहले नबी, जो आदम से पहले वो इंसान से पहले, बच्चा से पहले, आदमी से पहले, मनुष्य से पहले, तो इसका मतलब यह है कि नबुवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, तवज्जो, हुक्मे नबुवत के लिए, और क्लियर कर दो, हुक्मे नबुवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, एलाने नबुवत के लिए बशरियत जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, फैजाने हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद, तो नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो, सुभान अल्लाह असरा बे नबी यही लैल मिन अल मस्जिद अल हराम, ऐसा अगर होता तो मौलवी लोग कहते कि नबी के लिए जिस्म जरूरी नहीं, इसलिए मेरा जिस्मानी नहीं, तो अल्लाह ने नबी यही के बजाय अब्देही कहा, बगैर जिस्म के अब्द होता ही नहीं, और अब्द गया तो जिस्म के साथ गया, मेराज हुई तो जिस्मानी मेराज हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब ये बात समझ में आ गई तो एक और बात समझ के चलो। ए भाई साहब, ए सुनिए साहब, उन्हें ना चुप कराइए, वो जनता है, चाय पीने वाले को क्या से क्या बना देती है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो बोलता है खूब बोलो, जितना बहस कर सकते हो करो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करो। उन्हें बोलने दीजिए, अब मैं भी बोल रहा हूँ, एक बात है दिलचस्पी वाली, कुछ लोग इधर बोल रहे हैं और इधर मैं बोल रहा हूँ, आपकी दिलचस्पी उधर है, इसका मतलब यह है कि यू आर मोर इंटरेस्टेड मोर देन मी, हमसे ज्यादा आपको वो अच्छे लग रहे हैं, कभी तो आपने तवज्जो दी, आप जरा मेरी तरफ देखिएगा, इनको तकाइए, इधर देखिए, आप तो मेरी तकरीर ही नहीं सुन रहे हैं, मना कर रहे हैं, आप मना करने के लिए जलसे में आए हैं या सुनने के लिए, कम से कम ये तो सोचो सुननी हो के सुन लिया करो। वाह वाह, उसकी सुना, उसे रोका, कोई वहां बोल रहा था उसे इन्होंने रोका, मैं बोल रहा हूं मेरी तब ध्यान नहीं है, भाई साहब अगर वही कीमती है तो माइक उसी को दे दो, उसी की सुनो, और अगर वो कीमती नहीं है तो दुनिया बोलती रहे, हाथी मस्ती से झूमता चला जाता है और कुछ जानवर है भूखते रहते हैं, डोंट वरी फॉर दैट, आप अपनी किस्मत आप बनाइए, अपना ध्यान स्वयं लीजिए, आपको किधर तवज्जो करना है दैट इज इम्पोर्टेंट, और कोई क्या पड़ोसी क्या कर रहा है आपसे क्या मतलब, शेख अपनी अपनी देख। अब यहां कठिन सवाल यह है कि जब रसूल लामका तक गए तो मस्जिद अक्सा तक क्यों कहा, सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिहि लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, हमारा रसूल गया लामका तक, कुरान कह रहा है मस्जिद अक्सा तक, मैं चला जाऊं मुगल सराय और लोग कहें पटना तक, दूसरी आयात में है
दना फतजल्ला फकाना काबा कौसा ना हुआ दना। लेकिन यहां मस्जिद अक्सा तक ऐसा है, ये मस्जिद अक्सा तक अल्लाह का फरमाना काफिरों को मौका देना, क्योंकि काफिरों को लामका की नॉलेज तो थी नहीं। अब अगर लामका कहते रसूल तो टेस्टिंग नहीं हो सकती। क्या हुजूर नुक्ता है, वाह वाह वाह। तो जहां तक नॉलेज है वहीं तक का जिक्र है, क्योंकि सेकंड ही में कोई मस्जिद अक्सा जाए और लौट आए इम्पॉसिबल। हुजूर को घर में जाते काफिरों ने देखा और सुबह उठते देखा और सरकार चले गए बैतुल मुकद्दस तक। अब बैतुल मुकद्दस तक गए तो एक ही सेकंड में जाना आना नामुमकिन असंभव। तो मस्जिद अक्सा की नॉलेज काफिरों को थी, व्यापार करते थे, कारोबार करते थे, बैतुल मुकद्दस जाते थे, पहले साइन फलस्तीन जाते थे, उन्हें पता था। जैसे यूं कहो कि एक बच्चा ये बाकरगंज में पैदा हुआ, मंझरी में, ये बाकरगंज में पैदा हुआ, मंझरी में पैदा हुआ, और मंझरी वालों वो बच्चा तुम्हारे सामने ही जवान हुआ, तुम्हारे सामने ही बड़ा हुआ, और मंझरी के बाहर कभी गया ही नहीं। बोला बाबा मैं एक सेकंड में बंबई गया, बंबई से आया एक सेकंड। अच्छा बता बंबई में कोई मदनपुरा? हाँ है, नागपाड़ा के पास। वो पूछता जा रहा, ये बंबई बताता जा रहा, मानना पड़ेगा कि बंबई गया। और ये एक सेकंड में आना जाना मौजूदा होगा, उसकी करामत होगी। ठीक इसी तरह मेरे रब ने कहा मुस्तफा ऐलान करो, सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आप ऐलान करो, हुआ क्या? फिर नबी करीम के सामने गिरोह आ गया जो कई बार मस्जिद अक्सा देख के आया था। उसे पूछा, अच्छा ये बताओ अगर रातों रात तुम मस्जिद अक्सा गए हो तो बताओ उसमें कितने पिलर हैं, कितने खंभे हैं, मेहराब कैसी है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, पत्थर कौन सा है। काफिर पूछते गए, मुस्तफा बताते गए, ऐसा लगता था निगाहे मुस्तफा के सामने मस्जिद अक्सा आ गई हो। सारे काफिर जब ये मानने पर मजबूर हुए, वाकई ये तो कभी मस्जिद अक्सा गया नहीं, डिटेल बता रहे हैं तो यकीनन गए और आए। तो मस्जिद अक्सा कहना, कैच करना, मेरे नबी के सफर की हद नहीं, काफिरों की मालूमात की हद है। और जहां काफिरों की मालूमात नहीं है मोमिनों की बात है। उनसे कहा मैं जो रब से करीब गया, सिदरा से गया, काबा कौसा ना हुआ दना, मैं तो दो कमान या कम इतने करीब गया। मोमिनों से कहा कि लामका तक गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।